हेलो गाइस, दिस इज़ सुदेश सिंह एंड नाउ यू वॉचिंग क्रिप्टो बिगनर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे ऑल्ट्स जो आपको मैं सजेस्ट करूँगा जो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। तो अभी के लिए हम बात कर लेते हैं BTC की। तो यहाँ पे BTC गाइस इस जोन में 47,000 से 45,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसी बीच में कई सारे जो ऑल्ट्स ने हमें अच्छा खासा बेनिफिट दिया, जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को बहुत सारे कॉइन्स सजेस्ट किए थे। तो आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे कुछ तीन कॉइन्स सजेस्ट करने जा रहा हूँ जो आपको BNB की तरह ही, और जो हमारे जो टॉप कॉइन्स WAXP और इस तरह, तो अच्छे खासे आपको इसी तरह का बेनिफिट दे सकते हैं। तो वीडियो से पहले मैं आपको एक चीज़ बात कर लेता हूँ पॉली नेटवर्क के बारे में, जो कि यहाँ पे कल ही हैक हो गया था बाइनेंस चैन पे और इथेरियम और पॉलीजोन। तो यहाँ पे जब कई लोग इसे समझ रहे थे कि यहाँ पे पॉलीजॉन यानी जो मैटिक नेटवर्क है वो हैक हो गया है, तो ऐसा नहीं है। जो मैटिक नेटवर्क पे ही ये इसके तीनों ट्रांजेक्शन होते थे, तीनों चेन पे था जो पॉली नेटवर्क था, तो वो हैक हो चुका था। और यहाँ पे इस कंफ्यूजन में लोगों ने लिखा कि पॉली यहाँ पे मैटिक नेटवर्क हैक हो गया, तो यहाँ पे मैटिक नेटवर्क भी 6-7% यहाँ पे डंप हो गया। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में आप लोगों ने शायद इसको बेनिफिट लिया होगा, क्योंकि कल मैं ज़्यादा बिजी था तो इसी रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं अपडेट दे पाया। तो फिलहाल हम बात करते हैं अपने नेटवर्क के बारे में, अपने कॉइन्स के बारे में। तो यहाँ पे जो मेरी कॉइन्स में सबसे पहली लिस्ट में जो कॉइन है वो है थीटा नेटवर्क। तो गाइस, यहाँ पे हम थीटा नेटवर्क की बात करें तो ये अभी इसके आने वाले यहाँ पे 5 अपकमिंग इवेंट्स हैं, जिसमें से कई सारे हॉट इवेंट्स भी हैं। तो गाइस, अगर जो हम बात करें इसके चार्ट की, तो यहाँ पे चार्ट हम देख लेते हैं। तो गाइस, चार्ट की बात करें तो अभी जो इसका जो प्राइस है वो $7 के आसपास है। अगर जो इसके हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे गाइस ये 5.8 के पास यहाँ पे इसकी अच्छी खासी सपोर्ट है। अगर जो हम दूसरी सपोर्ट की बात करें तो वो 3.6 के अराउंड की है। तो गाइस, यहाँ पे अगर जो हम पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं ये इसका लेफ्ट शोल्डर है और एक हेड शोल्डर है और इसका राइट शोल्डर है। तो यहाँ पे अगर जो हम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बात करें तो ये काफ़ी यहाँ पे बुलिश है, और यहाँ पे अगर जो आप एंट्री लेना चाहते हैं तो वहाँ पे 6.9 या 6.4 के हिसाब से एंट्री ले सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को मैं थोड़ा बीच के लिए रोकना चाहूँगा, तो रोका इसलिए कि डिस्क्लेमर, क्योंकि गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट के पहले आप अपना पर्सनल रिसर्च जरूर करें, तो इसमें आपको रिस्क भी है और आपका लॉस भी हो सकता है और आपका यहाँ पे बेनिफिट भी हो सकता है। तो गाइस, हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल है और यहाँ पे एक दो पैटर्न हैं, एक लेफ्ट शोल्डर, ये यहाँ पे देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि इसका ये हेड है और इसका ये यहाँ पे राइट शोल्डर है। अगर जो हम नेक लाइन की बात करें तो देख सकते हैं ये थोड़ा एक्यूरेट पैटर्न बना हुआ है। और यहाँ पे हम एंट्री की बात करें तो आप यहाँ पे 3x लेवरेज के हिसाब से भी एंट्री ले सकते हैं। और इसके हम टारगेट की बात करें, अगर जो टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, तो यहाँ पे 14 के आसपास यहाँ पे आपका टारगेट यहाँ पे हो सकता है। अगर जो हम इसकी दूसरी यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 10 और इसकी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और छोटी मोटी दे सकते हैं यहाँ पे 7.8 के आसपास। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से टारगेट इसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसको और भी एक्सपेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अगर जो मैं असेंडिंग ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ पे मैं देखूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको बेनिफिट दे सकता है। अगर जो हम यहाँ से यहाँ लेके अगर जो एक यहाँ पे मैं रखूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 18 के हिसाब से यहाँ पे टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पे इसके हम इवेंट्स की बात देखें तो ये फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉइन है। तो यहाँ पे दोनों जो सिग्नल बात करें, इवेंट सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो ये इस कॉइन में आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो गाइस, अब हम बात करें डॉज कॉइन के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट आप समझ सकते हैं कॉइन है। तो इसमें काफ़ी अच्छे खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, और जो हम आने वाले टाइम में
मैं इसको कई बार सजेस्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम बात करें, काफ़ी स्लीप मोड में है जब से इसका यहाँ पे हाइप पहला क्रिएट हुआ था। तो वहाँ उसके बाद जैसे ही इलॉन मस्क ने इस पर ट्वीट करना बंद कर दिया, और जैसे ही इलॉन मस्क ट्वीट करता है तो यहाँ पे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये काफ़ी स्लीप मोड में है। अगर जो हम बात करें यहाँ पे इसके टेक्निकल एनालिसिस की, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो इसके हम अगर जो टारगेट की बात करें, तो ये आने वाले टाइम में इसका हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 40.44 आपको यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइज़ ये मैं कॉइन इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसने अभी कई लोगों का यहाँ पे एक्लेमेशन आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी टाइम पे स्लीप मोड पे है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको सरप्राइजिंग यहाँ पे एक बेनिफिट आपको दे सकता है। तो गाइज अगर जो आप ये कॉइन लोड करना चाहें तो यहाँ पे 0.24 या आप एक सपोर्ट यहाँ पे 0.23 के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0.20 के आसपास मैं इसको सजेस्ट भी कर चुका हूँ। अगर जो हम बाकी इसके कॉइन यहाँ पे शिब और बेबी डॉज कॉइन की बात करें, तो शिब ने यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली दिखाई, तो जो 30 से 40% का यहाँ पे बेनिफिट दिया था। तो यहाँ पे हम डॉज से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको आपको अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट दे सकते हैं। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं अपने लास्ट कॉइन की, जो कि है EGLD USDT। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की। जो इसकी यहाँ पे एक सपोर्ट आप बता सकते हैं, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया है वो 108 के आसपास यहाँ पे ब्रेक किया है, और ये यहाँ पे 136 के आसपास है। अगर जब हम इसके ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आने वाले गाइज़, मैं आपको टाइम के हिसाब से अगर जो मैं इसके इवेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे इसके 3 इवेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों चार्ट के हिसाब से अगर जो बात करूं तो ये आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है, जो कि मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 201 के आसपास यहाँ पे आपको ये प्राइस देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर जो इसे आप लोड करना चाहें तो यहाँ पे लोड कर सकते हैं। तो गाइस बताना ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो के लास्ट में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर जो अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पे देख सकते हैं आपने आपको अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट, जो मैंने एक्सेस की कॉल शेयर की थी 54% यहाँ पे देख सकते हैं पूरी हिस्ट्री, अच्छा खासा कॉल सिग्नल्स में यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपको अच्छा खासा एक बेनिफिट देते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अगर जो आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे फॉलो कर लेना गाइज़। तो गाइज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई मन बात हो तो कमेंट जरूर करना।